ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 डबल कॉलम कैश बुक ठीक है यस सर रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कमल ट्रेडर्स यहां पे क्या लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स ठीक है बैलेंस फॉर द मंथ जुलाई 2018 यहां पे 18 2000 जुलाई यहां पे क्या लिखोगे 2018 जुलाई ठीक है कैश इन हैंड 2000 एंड बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट 8000 तो फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में कितना है 2000 और यहाँ पे कितना है 8000 देखो बैंक में ना दो तरह के अकाउंट होते हैं एक करंट अकाउंट होता है दूसरा कौन सा अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट नॉर्मली बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है करंट अकाउंट ओपन करता है करंट अकाउंट की खास बात क्या है और सेविंग में क्या करंट और सेविंग में क्या फर्क है सेविंग में हम लोग को मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है और जितना डिपॉजिट किया उसमें से हम लोग और उसमें विड्रॉल पे लिमिट होती है ठीक है और डिपॉजिट पे और ट्रांजेक्शन पे हर चीज़ पे उसमें लिमिट होती है करंट अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं होती है जितना चाहिए उतना जमा कर सकते हो दिन में जितनी बार चाहिए उतनी बार आप डिपॉजिट कर सकते हो विड्रॉल कर सकते हो ठीक है और अगर आपका जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा भी पैसे आप निकाल सकते हो किस में करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट में जितना जमा है उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते और करंट में जितना जमा है उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो उसको क्या बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं ओवरड्राफ्ट ठीक है पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या है 3 तारीख को कैश सेल्स सेल्स करोगे तो पैसा आएगा तो कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट है 2000 नरेशन क्या आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ठीक है उसके बाद अगला क्या है 5 तारीख को परचेस गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक 6000 गुड्स हमने परचेस किया तो परचेस किया तो पैसे आएंगे कि जाएंगे जाएंगे बाय क्या लिखोगे परचेस अकाउंट कैसे पेमेंट किया चेक से तो कौन से कॉलम में लिखोगे ठीक है नरेशन पहले के समय ही बताया मैंने आप लोगों को कि आप लिख सकते हो ठीक है क्योंकि आपके जर्नल सीखा हुआ है तो इसमें भी आप कर सकते हो कुछ नेक्स्ट है अभी 8 तारीख को कैश सेल्स अगेन 10000 टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा 10000 ठीक है नेक्स्ट अभी पेड जनरल एक्सपेंसेस 12 तारीख बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 700 सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक यहाँ पे देखो हमने गुड्स बेचा किसी बंदे को उससे चेक में अमाउंट मिला ठीक है और हमने तुरंत क्या क्या डिपॉजिट कर दिया तुरंत डिपॉजिट किया तो कहाँ पे आएगा बैंक के कॉलम में ठीक है और इसके पहले वाला भी हमने सम किया था आज उसमें क्या होता क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमने गुड्स सेल किया चेक मिला लेकिन उसी दिन हमने डिपॉजिट किया क्या नहीं बाद में डिपॉजिट किया तो अगर चेक आज मिला और बाद में डिपॉजिट करते तो कौन से कॉलम में लिखने का कैश के कॉलम में और चेक आज मिला आज ही डिपॉजिट किया तो कौन से कॉलम में आएगा बैंक के कॉलम में तो हमने क्या किया गुड्स सेल किया 15 तारीख को 2 क्या आएगा सेल्स अकाउंट अमाउंट चेक से मिला इसके लिए बैंक के कॉलम में ठीक है फिर परचेज मोटर का पेड बाय चेक मोटर का हमने परचेज किया तो बाय यहाँ पे देखो परचेज किया ना तो बाय क्या आएगा परचेज आएगा या मोटर कार आएगा आपको जर्नल में अच्छे से सिखाया गया है कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं और अदर देन गुड्स हम खरीदते हैं तो जो खरीदते हैं उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे हमने क्या खरीदा है मोटर कार मोटर का कितना अमाउंट है 15000 कैसे पेमेंट किया
चेक से किया ना, तो अमाउंट कहाँ आएगा? बैंक के पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या, चेक रिसीव फ्रॉम मिनाल मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मृणाल कौन है हमें पता नहीं है, है ना, क्वेश्चन उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हो सकता है कि पिछले महीनों में हमने क्या किया हो, उसको माल बेचा हो और उस बंदे ने हमको क्या दिया, चेक दिया, ठीक है। और वो चेक हम कब डिपॉजिट कर रहे हैं, आज डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इन टू बैंक, ठीक है। अब अगला जो ट्रांजेक्शन है वो आप लोग के लिए आज नया है, बराबर है। 25 को मृणाल चेक रिटर्न डिसऑनर, डिसऑनर का क्या मतलब समझते हो? मृणाल ने हमको चेक दिया, ठीक है, हमने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, हमारा बैंक क्या करेगा, मृणाल के बैंक से पैसे लेगा, हो सकता है मृणाल के बैंक में क्या हो, पैसे ना हो, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर, ठीक है। तो सिंपल है, जब मृणाल से अपने को चेक मिला तो हमने कहाँ लिखा, रिसिप्ट में लिखा। अब चेक के पैसे मिले क्या हमको, नहीं, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर, तो कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में। कितनी तारीख है, 25 बाय क्या लिखोगे, मृणाल आता, ठीक है। और अमाउंट कितना है, कितने का चेक था, 10,000 का, यहाँ पे कितना आएगा, 10,000, समझ में आया, पैसा आया, पैसा गया, वैसे भी उसे चेक दिया, चेक का पैसा हमें मिला क्या, नहीं, चेक क्या हो गया, डिसऑनर, है, समझ गए। फिर आगे क्या, पेड रेंट 2,028 बाय रेंट अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 29, बाय टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट 5, चेक से पेमेंट किया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, क्या ये ड्राइंग, कितने तारीख है, 31st बाय ड्राइंग, कहाँ से विड्रॉ किया, बैंक से, तो कौन से कॉलम में आएगा, बैंक के कॉलम में, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये भी सिंपल सन था, खाली आज नया क्या था, डिसऑनर चेक हुआ वो, ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले किसको टैली करेंगे, कैश को, 2, 2, 4, 4, 7, 11 कितना कर दो, 1, 1 और 1, 2 21,000, यहाँ पे भी कितना आएगा, 21,000, 300 भी है ना, 0, 0, 0, 7 और 6, 13 कितना कैरी करोगे, 1, 1 और 2, 3, 3 और 8, 11 एक कैरी करोगे, ठीक है, 18,600। अच्छा बैंक कॉलम में देख लो, 20 और 10, 30 और 8, 38 38,000, और यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंस कितना हुआ है, 25, 31, 33 मतलब डेबिट से कम हुआ, यहाँ पे डेबिट का टोटल ज़्यादा है, 38,000, यहाँ पे भी कितना आएगा, 38, 5 और 5, 10, 1 और 6, 7, 5, 12, 12 और 13, और 5, 18, 1 और 1, 2 और 3, 31, 31, 31
बाय क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, टोटल के ऊपर कैरी डाउन, टोटल के नीचे ब्रॉड डाउन, ठीक है। 2018 जुलाई के बाद क्या था? अगस्त फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कैश में कितना? 18,600 और बैंक में 5,500, ठीक है। समझ आया? कौन सा क्वेश्चन था ये? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 3, न्यू सिलेबस।